हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी को वेलकम। मैं आज बनाने जा रही हूँ हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का फेवरेट फूड चावल बड़ा, जिसे हम समलपुरी में चावल बड़ा बोलते हैं, जो कि चावल से बनता है। ये चावल का बड़ा है, आप घर पे भी बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इसीलिए सारे चीज़ होम का ही यूज़ किया जाता है। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ये हमने ले लिया है चावल और उड़द दाल का पेस्ट है। ये चावल और उड़द दाल को रात भर भिगो के रखा था। उड़द दाल कम मात्रा में होना चाहिए और चावल ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। भर भिगो के पेस्ट कर लिया है हमने। अब इसमें सूजी को डालते हैं। थोड़ा सा मैंने सूजी लिया है, खाने वाला सोडा, और ये है नमक, स्वाद के अनुसार मैंने ले लिया है। इसमें जीरा डालेंगे थोड़ा, बहुत अच्छे से फेंट लिया है, देखिए इसका टेक्सचर डालेंगे। हमें चटनी बनाना है तो इसके लिए हमने थोड़ा पानी में इमली को भिगो के रखा है, थोड़ा नमक भी दे दिया है, थोड़ा सा अदरक लेना है, एक मिर्च लेना है, थोड़ा सा धनिया पत्ता लेना है, 4 से 5 लहसुन डालना है इसको। अभी हम इसको पीस के आते हैं और मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ आपको। अब मैं ग्राइंडिंग करके आ गई हूँ, देखिए इसका ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। थोड़ा सा पानी भी मिला लिया था मैंने, इसको इसमें डाल देते हैं। थोड़ा दरदरा सा पेस्ट होना चाहिए, अब इसको मिला लेते हैं हम। थोड़ी देर के बाद ये पूरा रेडी हो जाएगा। गरम होने के लिए रख दिया था, ये पूरी तरह से गरम हो चुका है। अब ये चावल के पेस्ट को ऐसे देना है, आप घर पे ट्राई कीजिए। इसको थोड़ी देर बाद पलटेंगे। अब हमने इसको पलट दिया है अच्छे तरह से, देखिए। अब हम इसको निकाल रहे हैं और आगे दिखाती हूँ मैं सर्व करके इसको। तो ये देखिए मेरा चावल बड़ा रेडी हो गया और खट्टा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। मैंने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो ऐड कर दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, कैटेगराइज में मैंने ऐड कर लिया है। मेरे चैनल पे आपको और क्या क्या वीडियो देखना है, आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर वो बनाऊँगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू।